चंदौली में शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। हाँ जी जी बताए क्या मजीद यादव जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद चंदौली। आज पिछले 7 सालों से देख रहे हैं शिक्षा मित्र की हालत बस से बेहतर होती जा रही है। सरकार और शासन प्रशासन के लोग हमारी मांगों से अनभिज्ञ हैं, अनसुना कर रहे हैं। आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक एक ही काम करते हैं। सुबह बच्चों को पढ़ाने से लेकर लिखाने से लेकर सारी काम करने का करते हैं, लेकिन अभी तक मानदेय और वेतन में अंतर है। उसी काम को करने वाला हमारा साथी 40 से 60 हज़ार पाता है, लेकिन हमारा शिक्षा मित्र साथी 10 हज़ार अपने जीवन की गाड़ी को खींच रहा है। आप देखेंगे आज की स्थितियाँ जो लगातार महंगाई चरम सीमा पर है, फिर भी उसके बाद भी 7 सालों से लेकर अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। पिछली सरकार में शिक्षा मित्रों का समायोजित कर सहायक अध्यापक का दर्जा दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश कोर्ट के कारणवश शिक्षा मित्र को प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन अभी तक कुछ उस पर हो नहीं पाया। हम लोग चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि शिक्षा मित्र को भी 30,000 मानदेय दिया जाए, उनकी मेडिकल की व्यवस्था की जाए, शिक्षा मित्रों को बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रवेश किया जाए और तमाम ऐसे मेडिकल की सुविधाएं जिसे जो शिक्षा मित्रों को देने का काम किया जाए। इसी संदर्भित मांग को लेकर हम डीएम महोदया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मंत्री जी को और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे, पत्र दे, अपनी बातों पर रखने का प्रयास किया।